चिल्ड्रेन, ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। नमस्कार, मैं हूं तुशाली, आप देख रहे हैं आईडी सिटी न्यूज नेटवर्क। एकमा नगर पंचायत के हंसराजपुर ग्राम के रुद्र महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हंसराजपुर के राम जानकी मंदिर से निकले शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवाएं एवं पुरुष शामिल हुए। एक माह से निकले इस शोभा यात्रा में सभी श्रद्धालुओं ने माझी प्रखंड के ताजपुर फुलवारी घाट में जल भरी का किया एवं एकमा पहुंचे। एकमा पहुंचने पर शोभा यात्रा पूरे एकमा बाजार तथा क्लब रोड, एकमा बाजार एवं माझी रोड होके हंसराजपुर के राम जानकी मंदिर पहुंचे। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु हर हर महादेव, जय श्री राम आदि के नारे लगाते रहे। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट भी शामिल थे। शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ निकाली गई थी। कई जगहों पे श्रद्धालुओं के लिए लोगों ने शरबत का प्रबंध किया था। आपको बता दें कि हंसराजपुर गांव में राम जानकी मंदिर में रुद्र महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा का शुभारंभ महाशिवरात्रि के दिन अर्थात गुरुवार से होगा। ये महायज्ञ वृंदावन से पधारे आचार्य सरस जी महाराज के नेतृत्व में होगा। इस दौरान शिव महापुराण कथावाचक स्वामी सरस जी महाराज करेंगे। इसी रुद्र महायज्ञ के लिए विशाल कलश यात्रा निकाली गई थी। ये रुद्र महायज्ञ 11 मार्च से 18 मार्च तक चलेगा और 18 मार्च को समापन के साथ ही विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा के दौरान प्रबंधक की भूमिका में रंजीत सिंह, सुधीर सिंह उर्फ बच्चूलाल सिंह, राकेश सिंह, रजनीश सिंह, संजय कुशवाहा, कुल्लू सिंह, विकी कुमार, बिट्टू सिंह समेत हंसराजपुर गांव के कई युवा उपस्थित थे। जय सियाराम। पावन शिवरात्रि के पर्व पर पवित्र भूमि आज आपके नगर में हंसराजपुर एकमा में श्री शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। ज्यादा से ज्यादा सभी लोग आकर के इस कथा रस का पान करें, धर्म का लाभ लें, भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना अभिषेक करके जीवन धन प्राप्त करें। जय श्री। क्या नाम है बाबा? आचार्य सरस। कहाँ से हैं आप? वृंदावन से हैं।